भारतीय टीम का इस बार घरेलू सत्र काफी व्यस्त जाने वाला है। बीसीसीआई ने इस साल के क्रिकेट कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत भारत इस साल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से घरेलू सीरीज खेलेगा। अगले चार महीनों में टीम 23 इंटरनेशनल मैच खेलेगी, जिसमें दो नए इंटरनेशनल मैदानों पर खेलना तय है। सितंबर से दिसंबर के बीच भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ 3 टेस्ट, 11 वनडे तथा 9 टी20 मैच खेलेगी। घरेलू सीजन के बाद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के टूर पर चली जाएगी। अगले चार महीनों का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज 17 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 5 वनडे 3 टी20 मैच खेले जाएंगे। वनडे मैच चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, इंदौर और कोलकाता में खेले जाएंगे, जबकि टी20 मैच हैदराबाद, रांची और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगी। इसमें 3 वनडे 3 टी20 खेले जाएंगे। वनडे मैच की मेजबानी पुणे, मुंबई और कानपुर करेंगे। वहीं टी20 मैच दिल्ली, कटक और राजकोट में खेले जाएंगे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज 15 नवंबर से 24 दिसंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज कोलकाता, नागपुर और दिल्ली में खेली जाएगी। इसके अलावा 3 टी20 मैच कोच्चि, इंदौर और मुंबई में खेले जाएंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।